नमस्कार, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ राज सिंह। हम आज मिडिल स्कूल ठागरागोड़ में हैं और हम आपको दिखाएंगे कि मिडिल स्कूल ठागरागोड़ की क्या हालात है। जहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो तकरीबन 3 कमरे हैं और उसके अलावा जो दूसरी बिल्डिंग है, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं कैमरे में, ये बिल्डिंग 9/4/2007 और 8 से शुरू हुई थी बनना और आज 2022 है, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग जो है अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। जो ठेकेदार बनाने वाला था, जो कनिमेरे बनाने वाला था, उन्होंने पैसे तो खा लिए लेकिन बिल्डिंग अभी बनने के लिए पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कैमरे में इसकी हालात, ऊपर से जो छत डाली गई टीन की वो उड़ गई है, पूरी तरह टूट गई है। और यहाँ पर जो आज ठागरागोड़ की पब्लिक है वो सारी हमारे साथ, इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ जो है 100 से ज़्यादा है। बैठने के लिए 2 कमरे हैं और 1 ऑफिस है जो जहाँ पर टीचर और साहबान बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन का जो निज़ाम है, सरकार कहती है कि उसको हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पंचायत ठागरागोड़ के अंदर जो है दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। अगर एजुकेशन का डिपार्ट जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश तरक्की कैसे करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, जहाँ के युवा जो हैं, जो बच्चे हैं, आने वाले टाइम में वो क्या तरक्की कर पाएंगे, क्या वो IAS बन पाएंगे, क्या वो KS बन पाएंगे, क्या वो तहसीलदार बनेंगे, क्या वो SHO बनेंगे, क्या वो डॉक्टर बनेंगे, लगता नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं और साथ में इन लोगों से भी बात करते हैं इनका क्या कहना है। ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग पूरी, पहले हम आपको बिल्डिंग दिखाएंगे उसके बाद ये देखिए बिल्डिंग जो है इसकी हालात। अंदर जाओ, ये अंदर के कमरे हैं, इस बिल्डिंग की ये हालात है। जो ठेकेदार और कन्वीनियर है उन्होंने पैसे निकाल के खा लिए लेकिन बिल्डिंग नहीं बना पाए। दूसरा कमरा दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप, माल मवेशी के लिए कोई अगर मकान बनाता है इससे बेहतर बनता है। ये बच्चों का स्कूल है, ये देख सकते हैं आप अंदर। कैमरा मैन से कहूंगा थोड़ा अंदर दिखाएं, ये कैमरा ये पूरा घुमा करके दिखा। यहाँ पर देखिए ये इसकी हालात है, तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों का पहले हमारे साथ जहाँ के बुजुर्ग हैं इनसे बात करेंगे। बुजुर्ग जी थोड़ा के नाम मनसूख मनसूख मनसूख। तो ये स्कूल जिहड़ी बिल्डिंग है मतलब 2007-8 ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੇ ਚਾਹਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਸ ਸਮਝੇ ਪਰ ਜਨਾਬ ਪਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੈ ਦੀ ਧੂਰੀ ਬੱਚੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੂੰ ਪਵਾੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲਾਜ ਸੁਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੂੰ ਪਵਾੜ ਦੇ ਬਾਹਰ 150 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚੀ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ MLA ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਉਸਦਾ ਆਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? आखना जाना ये बच्चे की बड़ी परेशानी बनी हुई है, बड़ी धुप्प है, बच्चे दर दर हो करते, बच्चे बुखार चढ़े दे, कहीं बीमार हो गए थे, कहीं पुज ही नहीं सकते इतने स्कूलों में, तौले बीमार हो गए जेडे धुप्पे बार बीमार हो गए, इनकी कोई भी गौर नहीं है। कई बार इतने DC साहब भी आए मौके पर, असें छंदे भी किए, झोलियां भी रखी, कोई साड़ी DC साहब ने भी कोई सुनाई नहीं की इस बिल्डिंग के बारे। अच्छा कोई नहीं, सरपंच DC साहब ने सरपंच ही आखना, सरपंच DC साहब ने जाना भी सरपंच के रुपये जाना, ये बात ये काम साढ़े बने गरीबे लोग। मतलब हमारे साथ एक युवा है जो अंकुश शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्डिंग ये 2007 से लेकर 2022 तक अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है और जो ठेकेदार है वो तो पैसे लेकर के अपना काम तो पूरा कर गया है। यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं, जैसे बता रहे हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं,
150 के आसपास बच्चा है, तो ये प्रॉब्लम आपको आपको कैसा लगता है? नहीं, ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ ही है, जब हम भी पढ़ते थे पहले ये सबकी बिल्डिंग बनी है जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी काम नहीं हुआ है। टीन भी उड़ चुकी है ऊपर से, अंदर हालत देखो इसकी कैसी है कैसी नहीं। और जिसको पूछो, हमने एक दो बार सरपंच को भी पूछा था, बोल रहे थे इसका टेंडर हुआ है, जिसको बोलो 10 बार बोला कि 10 बार टेंडर हो चुका है इसका, टेंडर पता नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं। और डीसी मैडम तो यहाँ पे खुद आई थी, उसने खुद भी देखा था, उसने बोला था कि इसका काम करवाएंगे हम जल्दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, चलो सरपंच साहब हैं, जैसे बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन हैं, इनसे कभी बात हुई आपकी? नहीं, वो तो वो भी आए, खुद आए, उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने भी बोला था कि हो जाएगा इसका काम, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। आपने खुद देखा क्या हालत है क्या नहीं? हाँ, ये हालत तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ एक और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह जी, ऐसे ये सारे लोग बता रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्डिंग जो हालात हमने भी देखी, तो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर ये बिल्डिंग ऐसे पड़ी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं, जिनों बंदों ने बिल्डिंग ये बनाई है, चाहे वो कोई भी है, इसका रिकॉर्ड देखा जाए, उसमें कितने स्टोने कर्जे निकाली गई और क्या लाश किस हिसाब से इसको बनाया गया, कितना पैसा इधर है बचा है, कितना खर्च हुआ है, हम यही ज़्यादा कहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन हम एक बात और बोलते हैं, 3 बार हमारे बीडीसी चेयरमैन जाने माने चेयरमैन हैं, हमारे ब्लॉक के बड़े नेता हैं, 3 बार सामने आप कैमरा मारिए कितनी दूरी है, 3 बार उन्होंने झंडा चढ़ा के गए हैं, ये सामने दिखाई देता है, 3 बार सलूट मार के गए हैं, जहाँ से आज आई कल आई, चेयरमैन साहब ने आज तक कभी भी नहीं सोचा भाई इस बिल्डिंग का हम देख करेंगे, क्या ये नहीं हमें पता चलता है, और सरपंच के साथ वो भी मिले हैं, एजम अब्दुल को वो सब मिले हैं ना, मिली बलती चला रहे हैं, लेकिन हमारी बच्चों की क्या हालत है, 10x12 के दो कमरे हैं। जहाँ पे 150 बच्चा बैठता है, है बेड़े बकरी लगाई जाती है उसके के लिए भी जगह खुली होना चाहिए, कोई बीमार पड़ गया तो चेयरमैन को परेशानी नहीं है? नहीं, वो तो बच्चों के पेरेंट्स को परेशान, बच्चे हमारे हैं ना, चेयरमैन के बच्चे थोड़ी हैं, चेयरमैन के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के सरपंच साहब हैं वो, जो सरपंच के बच्चे ही बाहर पढ़ रहे हैं, सरपंच का बच्चा भी तो इधर कोई भी नहीं है ना, है तो हमारे बच्चे का क्या हाल होगा ना, हम वो ऊपर से क्या मारो मारी बीमारी की चल रही है, बच्चे बीमार हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इतने सालों से आपकी डिपार्टमेंट से MLA या कोई भी बड़े जो हमारे यहाँ के जो मतलब होते हैं लीडर साहबान वगैरह जीते हुए जो नुमाइंदे हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मतलब कहा क्या कि इस बिल्डिंग को बनाना है कि नहीं बनाना है? कोई नहीं, हमें कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं सुना, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, सरपंच को बोल सकते हैं, सरपंच तो कभी भी ये बात नहीं बोलता, 3 कितनी बार इधर से होके जाता है, कभी उसने बिल्डिंग के बारे में नाम नहीं लिया, क्या पता उसने बनाई है किसने बनाई, ये गवर्नमेंट इसकी जाँच करे और इसकी फेल चलाए, देखे इसमें कितना पैसा निकाल दिया और किसने कितना खा दिया। तो अब आप जो जिला के अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डीसी मैडम हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करना? हम सीधी डीसी मैडम को बोलते हैं ना, और इनको हम बोल चुके हैं ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, डीसी मैडम को बोलते हैं, अगर ये नहीं डीसी मैडम नहीं कर सकती है तो हम आगे भी कदम बढ़ा सकते हैं, हमें आगे के दरवाजे भी सही है कहाँ जाना पड़ता है, लेकिन हम मजबूर हैं, लेकिन हम थोड़े हैं ना, बात ये नहीं है, बात पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, इसकी फेल देखा जाए कम्प्लीट, ये कहाँ से शुरू हुई, मतलब यहाँ इनका ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग है इसका कितना पैसा था, कितना खर्च हुआ, कितना बचा और किसने खाया, बिल्डिंग कम्प्लीट क्यों नहीं हुई, ये आपका मतलब? हाँ, यही है, किसने पैसा खाया, लेकिन बात करने की कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्ड देखा जाए, मतलब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, जिन बंदों ने बनाई है उनको अब तक के अंदर इनको अरेस्ट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पर साफ लोगों का कहना है, आप सुन रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने इस बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया हुआ था, उन्होंने इस बिल्डिंग को आधे में छोड़ दिया, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं बनाया गया, बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, और डीसी मैडम से स्पेशल रिक्वेस्ट है लोगों की कि इस बिल्डिंग के बारे में इंक्वायरी की जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप देखते रहे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज, मुझे दयानमति, धन्यवाद, राम राम।